नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार नागपुर से बायोफ्लॉक प्रैक्टिकल लर्निंग में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी और काफ़ी लोग ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर मोलासेस जो है हमें कहां से परचेज़ करना है। तो आज स्पेशली जो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ कि मोलासेस आप कैसे अरेंज कर सकते हो, तो जो कि मुझे भी मोलासेस जो है वो मार्केट में नहीं मिला, तो मैंने जो है वो गुड़ से काम चलाया है। लेकिन दोस्तों गुड़ में प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब गुड़ को पानी में घोलते हो तो वो एक तो ढेले में होता है, गोल गोल ढेले में देसी गुड़ होता है, तो उसे काफ़ी टाइम लगता है उसे आपको मेल्ट होने में, तो काफ़ी टाइम दोस्तों उसमें जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे जो है मोलासेस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कैसे गुड़ को जो है मेल्ट करोगे। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मैं बैक कैमरा करके आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने एक, इसको गंज बोलते हैं हमारे यहाँ पे, मैंने एक गंज में थोड़ा सा जैसे कि हाफ लीटर जो है वाटर को बॉईल कर दिया था और उसके बाद में मैंने गंज को जो है नीचे उतार दिया। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया है, इसके ऊपर 5 kg जो है मैंने गुड़ इसमें डाल दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी जो गुड़ है वो आपको दिख रहा होगा, और ये दोस्तों धीरे धीरे करके जो है ये मेल्ट हो जाएगा। और देखिए मोलासेस की तरह ये भी ब्लैक कलर का हो चुका है, ब्लैक और डार्क ब्राउन जैसे आपको दिख रहा होगा। तो इसे दोस्तों अगर इस तरीके से आप बना लोगे तो जो आपकी मोलासेस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। आप सिंपली किसी भी किराने की दुकान से देसी गुड़ ले लीजिए, और जैसा कि मैंने प्रोसेस में बताया ये प्रोसेस आप फॉलो करिए, तो आपको मोलासेस ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप गुड़ से ही अपना काम चला लोगे। और जो कि हमें गुड़ रहे या मोलासेस रहे, हमें तो सिर्फ कार्बन सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो कार्बन सोर्स हमें किसी भी तरीके से मिले, बैक्टीरिया को सिर्फ कार्बन सोर्स चाहिए। तो आप दोस्तों अपने कार्बन सोर्स जो है इस तरीके से पूरा कर सकते हैं, और इसके बाद आप इसे किसी भी जार में बोलो, बॉटल में बोलो, आप भर के रख दीजिए। और जैसा भी आप CN रेशो मेंटेन करते हो या अमोनिया मेंटेन करते हो, तो आप इसको जो है स्केल में गिन करके, स्केल में आप नाप लीजिए इसको, और फिर आप थोड़े पानी में घोल करके, इसके लिए तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बहुत ईजी होता है वो मैंने अपने कई वीडियो में शो भी किया है, आप उसमें भी देख सकते हो। तो यही है दोस्तों, आप इस तरीके से जो है मोलासेस को अपने घर में ही बना सकते हो। तो दोस्तों यही थी मोलासेस को लेके मेरी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मोलासेस को लेके मेरी ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करिए, शेयर करिए, और आपके स्क्रीन के नीचे जो रेड बटन आता है उसे सब्सक्राइब कहते हैं, उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, और उसी के बगल में जो बेल आइकन होता है उसमें ऑल की बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सारी नोटिफिकेशंस, वीडियो की अपडेट्स आप सभी को मिल सकें। और जो कि मैं इस तरीके के प्रैक्टिकल, अभी छोटे छोटे प्रैक्टिकल मैं लेके आने वाला हूँ, मोलासेस को लेके, अपने चूने को लेके, नमक को लेके, अमोनिया को लेके, TDS, PH और अपना नाइट्राइट, नाइट्रेट, DO, सैलिनिटी, हर किसी पे मैं शॉर्ट वीडियो दोस्तों बनाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलूँगा मेरे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।